दो तीन साल के बाद आना हुआ है तो कुछ तो पूछने करने का रहता है। क्या बोला बाबा? मैं आपके पास जाना चाहती हूँ। बाबा तुमको बैठ के खिलाते रहेंगे क्या? है बड़ी हो जाओ, अपने कपड़े अपने आप धो लेने लगो तब जाना। अपना काम अपने आप करो, करती हो? है जोर से बोलो। अरे आवाज आ रही है क्या? बोलो। सतयुग में जो पहला जन्म हुआ, हाँ पूर्व युग में, हाँ जो पहला जन्म हुआ जो जनसंख्या होगा 9 लाख। 9 लाख नहीं होगी शुरुआत में जनसंख्या? हाँ ऐसा ही पूछता हूँ आपसे। शुरुआत में 9 लाख जनसंख्या नहीं होगी तो कितना होगा? क्योंकि सतयुग जब शुरू होगा तो पहले पहले पहला पत्ता जन्म लेगा या 9 लाख पत्ते जन्म लेंगे? तो पहले पत्ते के जन्म में और 9 लाख के जन्म में, जन्म तो 9 लाख का होता भी नहीं है। कितनों का जन्म होता है और कितने जन्म देने वाले होते हैं? 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, टोटल मिला करके रचना और रचयिता दोनों का पार्ट बजाने वाले पार्टधारी सतयुग के पहले जन्म में, पहले जन्म के अंत में अर्थात 150 साल के बाद 9 लाख जनसंख्या होगी। परम धाम से आत्माएं टोटल विनाश होने के बाद नीचे उतरेंगी और क्रम से उतरेंगी या 9 लाख इकट्ठी उतर आएंगी? क्रम से उतरेंगी। हाँ ये कह सकते हैं कि जन्म देने वाले और साथ साथ जन्म लेने वाली आत्माएं उतरती ही रहेंगी और जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी। ऐसे नहीं कि सतयुग के आदि में ही कृष्ण रूपी पहले पत्ते के साथ 9 लाख की आबादी हो जाएगी, नहीं। जैसे शूटिंग हुई है, संगम युग में शूटिंग हुई है ना, सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ तो ओम मंडली की सत्संग की ध्वनि के साथ साथ साक्षात्कार भी हो रहे थे तेजी से। उस समय 9 लाख की आबादी थी पूरे सिंध हैदराबाद की और अखबारों में चारों ओर बात पड़ गई, 9 लाख आत्माओं को संदेश मिल गया। तो संदेश भी धीरे धीरे मिला होगा कि एक साथ मिला होगा? धीरे धीरे मिला। ऐसे ही जो आज में हुआ वो अंत में भी प्रत्यक्ष होगा। और कोई कनेक्शन नहीं, देश का पास
वेद का बाप वेद में बोलते हैं और वेद में लागू भी है। हाँ तो अच्छे के इसका कोई कनेक्शन है क्या? हद की बातों से बेहद की बात समझाई जाती है। हद की दुनिया का मिसाल दिया जाता है और उस मिसाल के आधार पर बेहद की बात समझाई जाती है। तो जब नई दुनिया शुरू होगा इसलिए जो पुरानी दुनिया ये चल रहा है क्या? हाँ ये चलेगा क्या? अरे पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी। ब्राह्मण धर्म संपन्न स्टेज पर जब पहुंचेगा, परिपक्व ब्राह्मण बनेंगे तो परिपक्व देवता कहे जावेंगे। जब देवताओं की दुनिया होगी तो राक्षसों की दुनिया नहीं होगी। हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए राक्षसों की दुनिया में आग लगे तब देवताओं की दुनिया प्रत्यक्ष हो। राक्षसों की संख्या बहुत है, 33 करोड़ देवताएं हैं, बाकी 500-700 करोड़ राक्षस हैं। वो राक्षस संप्रदाय का खात्मा होगा तब प्रकृति के 5 तत्व सुधरेंगे, नहीं तो राक्षसी वाइब्रेशन इस सृष्टि को पावन नहीं बनने देंगे। इसलिए पतित दुनिया का विनाश जरूरी है, तब पावन दुनिया की प्रत्यक्षता होगी। और जब पावन दुनिया की स्थापना हो जाएगी तो पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। पावन दुनिया में 4.5 लाख होंगे। कितने होंगे? 4.5 लाख। 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश होंगे भूत प्रेत आत्माओं की तरह। तो 9 लाख हुए जो प्रवेश होने वाली आत्माएं हैं, वो भी ईविल सोल नहीं होंगी। भूत प्रेतों में सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई अच्छी आत्माएं भी होती हैं। जैसे इस समय ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं प्रवेश करके पाठ बजा रही हैं, ऐसे उनको फॉलो करने वाले और भी चंद्रवंशी आत्माएं हैं। तो 9 लाख आत्माएं बेहद के 9 लाख सितारों के मुआफिक हैं। वो 9 लाख सितारे जब प्योरिटी में टिक जावेंगे तो उनकी यूनिटी परिपक्व हो जावेगी। प्योरिटी के आधार पर जो यूनिटी बनेगी वो आसुरी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बन जावेगी। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया चाहिए, सतो प्रधान सृष्टि चाहिए। सतो प्रधान सृष्टि तब तक नहीं कहेंगे जब तक प्रकृति के 5 तत्वों को पावन नहीं बनाया है। प्रकृति के 5 तत्व तो जड़ हैं, वो जड़ तत्व तो पहले पावन नहीं बनेंगे। तुम 9 लाख आत्माएं तो चैतन्य हो, चैतन्य आत्माएं ज्ञान सुन सकती हैं, सुना सकती हैं, धारण कर सकती हैं।
ज्ञान के होश से आत्माएं पहले पवित्र बनती हैं। आत्माओं के वाइब्रेशन जब अच्छे बनेंगे तो सुप्योरिटी के वाइब्रेशन से पुरानी दुनिया का विनाश स्वतः ही होगा। निमित्त तो कोई ना कोई बन ही जावेंगे। सौ साल बोला है हाँ, एक सौ साल के अंदर पावन बन करके नौ लाख आत्मा है यहाँ पे विनाश कर देंगे। माने शंका है, है? शंका है माने भगवान नहीं आया हुआ है, भगवान के महावाक्य नहीं है, ब्रह्मम वाक्यम नहीं है, ब्रह्मा के वाक्य नहीं है, सौ साल का संगम है ज्यादा में ज्यादा। शंका हो रही है, है? क्यों? जितने भी धर्म पिताएं आए वो सभी धर्म पिताओं ने ज्यादा से ज्यादा सौ साल के अंदर अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया या इससे कम में कर लिया ज्यादा में कर लिया? उन्होंने भी कितना टाइम लिया, ज्यादा में ज्यादा सौ साल। उनकी तो स्थापना इनकम्प्लीट रही, इनकम्प्लीट धर्म की स्थापना की है, ये तो कंप्लीट धर्म की स्थापना हो रही है। 100% शुद्ध सनातन धर्म की स्थापना होती है, इसलिए इसमें पूरे 100 वर्ष चाहिए। नई दुनिया बनेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। उन धर्म पिताओं ने आकर के स्थापना तो की लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं किया। और यहाँ तो जो उन धर्म पिताओं ने कोई ने भी नहीं किया वो काम भगवान बाप आकर के करते हैं। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी बातों का, मुकाबला करना पड़ता है खंडन करने के लिए। वो धर्म पिताओं में इतनी ताकत नहीं थी जो पुराने चले आए धर्म गुरुओं का मुकाबला कर सके, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने धर्म की बातें स्थापन कर दी। नया धर्म स्थापन कर दिया, पुराने धर्मों का विनाश नहीं हुआ। तो पुराने भी चलते रहे और नए नए धर्म भी स्थापन होते रहे। तो जब अनेक धर्मों की स्थापना होगी, अनेक मत मतांतर बुद्धि में बैठेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? झगड़े बढ़ते रहे, अशांति फैलती रही। वो हैं देहधारी धर्म गुरु और ये तो है विदेही बाप। विदेही बाप आकर के आत्मिक धर्म की स्थापना करते हैं। ये आत्मा का धर्म है, देह के धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। जो आत्मा के धर्म को स्वीकार करते हैं वो आत्मलोक में जाकर के बैठ नहीं जाते हैं, नई दुनिया में आ जाते हैं और नई दुनिया में शरीर से जन्म लेकर आत्म की स्थिति में रहते हैं। उसको कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म निधनम से या परधर्मो भयावह। आप
आत्मा की स्थिति में रह करके शरीर छोड़े, ये श्रेष्ठ बात है। द्वापर युग से पर धर्म आ गया, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं दूसरे दूसरे धर्म आकर के स्थापन कर दिए, दैहिक धर्मों की स्थापना हो गई। वो तो अधूरा काम किया है, यहाँ तो बाप 100 वर्ष के अंदर पूरा काम करके जाते हैं। 500-700 करोड़ दुनिया के बीच सिर्फ 9 लाख आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो आत्म की स्थिति में स्थित होती हैं। उनमें भी 4.5 लाख हैं अपने शरीर के साथ जो पूरा पुरुषार्थ करती हैं। इतनी थोड़ी आत्माओं की पढ़ाई है। क्राइस्ट के फॉलोअर्स तो 150-200 करोड़ दुनिया में होंगे, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो स्वधर्म में कभी नहीं टिक पाते। तो कहाँ 150-200 करोड़ की पढ़ाई और कहाँ 4.5 लाख की पढ़ाई। तो 100 साल बहुत थोड़े हैं या ज्यादा हैं? विश्वास नहीं होता है कि 70 साल के अंदर हमारी आत्म की स्थिति नहीं बनी अब तक, तो अब 30 साल के अंदर कैसे बन जाएगी? जो काम प्यार से नहीं होता है वो काम धर्मराज की मार से संपन्न हो जाएगा। ऐसे भी नहीं कि संपन्न नहीं होता है, ये कहेंगे कि 100 बगुलों के बीच में 1 हंस की प्रवृत्ति छुप जाती है। 100 बगुलों की बकबक सुनाई पड़ती है और 1 हंस का गायन नहीं सुनाई पड़ता। इसलिए ड्रामा में नुदा हुआ है विनाश, इन बगुलों का सफाया हो जाएगा। जो अंत तक गंध को छोड़ेंगे नहीं, ये विधर्मी आत्माएं हैं, विधर्मियों की शूटिंग करने वाली हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में घुसी हुई है, ये सारे तालाब को गंदा कर रही है। हंस दिखाई नहीं देते हैं, तो जब बगलों का खलासा हो जाएगा तो हंसों का ही संगठन संसार में दिखाई देगा। बाद में 100 साल के बाद में तो विनाश होगा, सारा सृष्टि बर्फमय हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। उसके अंदर 4.5 साल आत्मा बचेंगे? आत्मा नहीं बचेंगे, शरीर होंगे, शरीर होंगे, फ्रीज हो जाएंगे। 4.5 लाख शरीर फ्रीज हो जाएंगे, कैसे सेफ में रहेंगे? अरे फ्रीज में आधा सड़ा हुआ फल डाल दो, जो का त्यों पड़ा रहेगा, आधा ही सड़ा हुआ निकलेगा कि पूरा सड़ जाएगा? है बोलो, कोई दागी फल है
सड़ना शुरू हो रहा है और उसको बर्फ में दाब दो, ज्यों का त्यों रखा रहेगा या सारा ही सड़ जाएगा? ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये तरीका है, जैसे ज्ञान जल में डाली हुई आत्माएं, ब्रह्मा बाबा है फ्रीज का ज्ञान जल, जाम जल है ब्रह्मा की बुद्धि में, ज्ञान जल कैसा है हिमालय, पार्वती के बाप का नाम क्या था है हिमालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर है, बर्फ का घर है उसकी बुद्धि में, ज्ञान जल जाम होके रहता है, उस जाम हुई बुद्धि में जिन आत्माओं ने ज्ञान जल धारण किया वो आत्माएं उस जल में ज्यों की त्यों बनी रही। 35 साल तक ब्रह्मा का पाठ चला, ब्रह्मा ने बाद में शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जल में गर्मी आई, ज्ञान सूर्य प्रकटा, बर्फ पिघलने लगी, ज्ञान में गर्मी आती है तो जो आत्माएं हैं उनका मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? मंथन चालू हो जाता है। तो जिन आत्माओं का मंथन चालू हो जाता है वो ज्ञान जल चलता रहता है, जैसे नदी का जल बहता रहता है तो शुद्ध बना रहता है, और जल बहता नहीं है पोखरे में रुक जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही अभी भी जो आत्माएं गंध में पड़ी हुई हैं, भगवान ज्ञान जल दे रहा है फिर भी गंध को छोड़ती नहीं है, उनका ज्ञान जल दूषित हो जाता है, और जो ज्ञान जल को उपयोग में ले लेती है, मंथन करने से ज्ञान जल बहने लग पड़ता है, वो ज्ञान जल शुद्ध बना रहता है। ऐसी शुद्ध आत्माएं अपनी भी शुद्धि करती हैं और औरों की भी शुद्धि करती हैं, उनको ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। है तो भगवान पतित पावन, लेकिन वास्तव में भगवान तो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उस ज्ञान को जो धारण करते हैं वो दूसरों को धारण करने के निमित्त बन जाते हैं, वो नदियां कही जाती हैं पतित पावन। भगवान करावन आहार है उन नदियों के द्वारा, जिन नदियों का कनेक्शन भगवान बाप के साथ है वो पतित पावनी है, जिनका कनेक्शन उनके साथ नहीं है वो मैली हो जाती है। इसलिए गायन चलता है राम तेरी गंगा मैली, तो अभी यही चल रहा है, भगवान बाप ज्ञान का सागर तो आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान का उपयोग करते हैं वो आत्माएं पवित्र बनती हैं, लेकिन उनकी संख्या 5 पांडवों जैसी है,
जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, बाकी तो सारे ही विधर्मी या तो कौरव कुल के हैं या तो यादव कुल के हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, तू पांडव कुल का है, पांडव ही बचेंगे और सब खलास हो जाएंगे। हाँ जी, कैसे बचेंगे पांडव? कैसे बचेंगे? याद से बचेंगे, आत्म की स्थिति से बचेंगे। छत्तीस तो बता दिया, छत्तीस से शुरू हुआ, छत्तीस में 100 साल पूरा होता है। आगे बोलो। अरे आगे बोलो भाई, हैं? समझ में नहीं आ रहा? अरे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा। प्रैक्टिस मेक्स इट एंड परफेक्ट। अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य चग्रह्य थे। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला भगवान से प्रश्न करता है, कैसे हो जाएगा? ये मन तो बस में होता ही नहीं, ये मन तो कंट्रोल होता ही नहीं। बार बार मन को कंट्रोल करते हैं, एकाग्र करते हैं, बार बार भाग जाता है, कैसे हो जाएगा? तो क्या जवाब दिया है? अभ्यास इन तो कौन थे हे अर्जुन, अभ्यास कर। बार बार अभ्यास करेगा तो ये मन कंट्रोल में आ जाएगा। और कितना अभ्यास करना पड़े? जितना अभ्यास 63 जन्मों में देहधारियों से लिपटने का किया है, देहधारियों में बुद्धि रमाने का किया है, देहधारियों में बुद्धि फंसाने का किया है, उतना ही अभ्यास यहाँ आत्माभिमानी बनने का करना पड़ेगा। वो देहधारी आत्माएं 63 जन्मों वाली बार बार सामने आवेंगी, बार बार उनको भगाओ और कल्याणकारी बाप को याद करो जो आत्माभिमानी बनाने वाला है। जो करेगा तो पावेगा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। नहीं करेगा, अरे कैसे होगा? अरे बिंदी को कैसे याद करें? तो कैसे कैसे करते हुए खलास हो जाएगा। रसगुल्ला जिसने खाया होगा वही रसगुल्ला याद आवेगा, या जिसने खाया ही नहीं है उसको याद आवेगा? जिसने खाया है उसको याद आवेगा। जिसने स्वर्ग के 84 जन्मों में से पहले जन्म का सुख भोगा है वो याद करेगा, उसे सहज लगेगा। क्यों, क्या, कैसे की क्यों में नहीं फंसेगा। अगर रसगुल्ला खाया ही नहीं कभी तो सड़क को याद भी नहीं करेगा। कोई भी सन्यासियों से पूछो, तुम्हें मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए, तो क्या कहेंगे? हाँ मुक्ति चाहिए। अरे उन्होंने कभी जीवन मुक्ति भोगी ही नहीं। उनका पाठ है द्वापर युग के बाद, वो त्रेता के अंत में द्वापर युग से सृष्टि पर आने का। वो द्वैतवादी दुनिया में आते हैं तो जीवन मुक्ति का उन्होंने कभी रस लिया ही नहीं।
तो स्वर्ग क्यों मांगेंगे? कहेंगे स्वर्ग से तो काट बिस्तर समान। और कैसे बाप को याद किया है? अभी हमको तो बाप ने बताया से निराकर किया, ऐसे ही दादा देखा ब्रह्मा कैसे हो गया था। उन्होंने बाप को याद कैसे किया? उन्होंने बाप को पहचाना, जब पहचाने नहीं तो याद कहाँ से करेंगे? निराकार को, जैसे और धर्म वाले निराकार को याद करते हैं। इस जीवन में स्वर्ग को नहीं पाते, इस जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान बाप इस जीवन में सुख शांति देने के लिए आया है या आगे के जीवन में देगा? है भगवान बाप इस जन्म की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा जीते जी देगा या हम मुर्दा हो जाएंगे तब देगा? तो वो ब्रह्मा ने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि जीवन में रहे हुए बाप को नहीं पहचाना। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आप बन जाएंगे। हम बनने के तो क्या बाप को कहते थे? ब्रह्मा को जिन्होंने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी समझा, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब शरीर छोड़ रहे हैं, कैसे? हार्ट फेल होकर के। तो अगर उनको तुम भी इम्पोर्टेंट और अच्छा समझेंगे तो तुम्हारी भी गति क्या होगी? हैं? उनको मिला ही नहीं, उनको मिला ही नहीं, इसलिए जीवन मुक्ति नहीं पाई। तुमको जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में बाप मिला, इसलिए तुम जीवन मुक्ति पाएंगे। वो भी तब जब सन्मुख अनुभव करेंगे। क्या? विमुख अनुभव नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत बैठे हुए रहते हैं, देखने में आता है सन्मुख बैठे हैं और अंदर से गालियां देते हैं, हरामी कहीं का भगवान बन के आया है। तो सन्मुख हुआ या विमुख हुआ? है विमुख हुआ, वो थोड़ी प्राप्ति करेंगे। निश्चय बुद्धि विजय से, अनिश्चय बुद्धि विनश्य से। है डॉक्टर का बच्चा होता है, बचपन से डॉक्टर की गोद में पला है, डॉक्टर की बातें सुनता है, दिन रात डॉक्टर और डॉक्टरनी मरीजों की और दवाइयों की ही बातें करते हैं। तो उसके अंदर डॉक्टरी के संस्कार सहज ही भर जाते हैं या कठिनाई से भरते हैं? है? सहज ही भर जाते हैं। तो बाप का धंधा, तो नियम क्या है? जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा। बाप राजा है तो बच्चे को भी क्या बनना है? राजा ही बनना है। बाप डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर होता है। बाप मिलिट्री में है तो गवर्नमेंट में भी नियम बना हुआ है, मिलिट्री का बच्चा भी मिलिट्री में ले लिया जाएगा। उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं। तो आप किसके बच्चे बने हैं? है? भगवान बाप के बच्चे बने। भगवान बाप का धंधा क्या है? है? वो जो बाप का धंधा तो हमारा भी होना चाहिए। वो तो नहीं चाहते हमें, हमारी साथ ही रहो। उसके लिए तो मुरली में बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। सन्यासियों का मिसाल दिया,
सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, बच्चों बीवी को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या उनके बीवी बाल बच्चे खाना पीना नहीं खाते हैं? है क्यों पाप लगेगा? माता जी पिताजी ने तुम्हें पैदा करना सीखा है, धन कमाना नहीं सीखा है? तो प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास, प्रॉपर्टी बेचें और खाएं। याद आएगी किसको? आएगी उनकी याद आएगी, तुम भगवान के बच्चे ही नहीं हो, तुम्हें नया जन्म नहीं मिला, झूठ बोलते हो। जो बच्चा पैदा होता है माँ बाप के घर में, उसको पूर्व जन्म के माँ बाप की याद आती है क्या? नहीं याद आती। और बाबा एक बाड़ी में बोला है काशी में मरेंगे तो स्वर्ग से बनेंगे, काश्य शब्द से बना है काशी, काश्य अर्थात याद का तेज। जिस वातावरण में याद का तेज भरा हुआ है, उस वातावरण का, उस स्थान का नाम रख दिया है काशी। माना काशी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? काशी शब्द स्त्री का सूचक है या पुल्लिंग का सूचक है? है काशी नगरी कहा जाता है या काशी नगर कहा जाता है? नगरी, तो नगरी स्त्री हुआ या पुरुष हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। माने भगवान शंकर को दिल्ली प्यारी नहीं है उतनी, क्या प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्योंकि याद में रहने वाली है। याद की पावर से दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है, ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है, बनारस। ऐसे वातावरण में जाकर जो शरीर छोड़ेंगे तो अंत मते सो गते, याद की स्टेज में शरीर छोड़ेंगे, और याद की स्टेज में शरीर छोड़ेंगे तो जो शंकर की गति वो ही उनकी गति होगी। और जो है साढ़े चार लाख जीते जी नहीं मरेंगे तो काशी नगरी के वासी नहीं हुए, आज नहीं तो कल होंगे या नहीं होंगे, सबको होना ही है। कोई पहले नष्टो मोहा बनेंगे, कोई बाद में नष्टो मोहा बनेंगे। कोई समझ करके नष्टो मोहा बनेंगे और कोई देखा दूनी नष्टो मोहा बनेंगे। भक्ति मार्ग में काशी में जाकर काशी करवट खाते रहे कि नहीं? तो जिन्होंने काशी करवट खाई वो क्या स्वर्ग में चले गए? नहीं चले गए। फिर काशी करवट खाने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान नहीं, नुकसान नहीं हुआ। फायदा ये हुआ कि जो काशी करवट खाते हैं नई दुनिया में तो नहीं जाते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया में जो जन्म लिए थे वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ। आत्मा पावरफुल बन गई। और आत्मा
है दूसरा वाली अपना सत्य युग में पहला सत्य युग में फूल गर्भों में जन्म में हाँ जी या सुखों में जन्म सुखों में प्रवेश करेंगे या जन्म होंगे गर्भों में जन्म प्रवेश नहीं होता है वहाँ आत्मा कोई बुद्धि में प्रवेश नहीं करती है जैसे यहाँ गर्भ में प्रवेश होता है वैसे वहाँ भी गर्भ में ही आत्मा का प्रवेश होता है लेकिन वहाँ आत्मिक स्थिति होती है गर्भ धारण करने वाली माता की भी आत्मिक स्थिति और प्रवेश करने वाली आत्मा की भी आत्मिक स्थिति होती है इसलिए वो गर्भ महल होता है वहाँ कोई भी प्रकार की आत्मा त्राय त्राय नहीं करती कि हमको बाहर निकालो हमको घुटन हो रही है और जोर से बोलो पूरी राजा अंग चंडाल क्यों बोलते पूरी राजा पूरी राजा अंग चंडाल बोलते पूरी के जो राजा है ना हाँ उसको चंडाल क्यों कहते जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं उनको चंडाल इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथ जो कहे जाते हैं वो कलयुगी दुनिया के नाथ हैं या सतयुगी दुनिया के नाथ हैं कहाँ के नाथ हैं है? नरक की दुनिया के नाथ हैं नरक की दुनिया में सारा जगत मौजूद होता है 500-700 करोड़ महात्माएं वहां मौजूद हैं जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो सब मुर्दे बनने वाली हैं 4.5 लाख को छोड़ करके और वो 4.5 लाख हरिश्चंद्र चांडाल के कुल के हैं हरिश्चंद्र राजा कोई दूसरा राजा नहीं था जगन्नाथ का ही दूसरा नाम हरिश्चंद्र है तो जो गद्दी पे बैठेगा वो वैसा ही पार्ट बजाएगा इसलिए गायन चला आ रहा है जगन्नाथपुरी की गद्दी का मुर्दों को आग लगाने वाले हैं ये सारी दुनिया मुर्दा बनी पड़ी है भगवान के ज्ञान को नहीं समझती मुर्दे को डंडे मारते रहो मुर्दे में कोई हलन चलन नहीं आने वाली है ऐसे ही इस दुनिया में ज्ञान के डंडे बल पड़ते रहे लेकिन मुर्दा बने पड़े हैं इसलिए उनको कोई असर नहीं होता ये काम जगन्नाथ का है और जगन्नाथ की गद्दी पर जो भी बैठेंगे उन सब का यही पार्ट है और कमला देवी दीक्षित के बेहद के आप क्या है ज्ञान मार्ग में जो मुख्य पार्टधारी है वो आखिरी जन्म में भी जो जन्म लेते हैं लौकिक जन्म उस लौकिक जन्म में शरीर का जो नाम पड़ता है वो नाम भी उनका सार्थक हो जाता है
जैसे दादा लेखराज भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा, ऐसे ही ओम राधे। कैसी राधे? जिसमें आत्मा का स्वरूप भरा हुआ है। आत्मा के तीन कार्य हैं, आ ब्रह्मा उ विष्णु मा महेश, स्थापना पालना और विनाश। मम्मा ने मंथन का वो काम करके दिखाया, वो बीज डाल करके दिखाया जो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ने ऐसी शुरुआत नहीं की। सब जानते थे कि आत्माएं बिंदु बिंदु हैं। गीता में अनुरूप लिखा है। सब जानते थे भगवान आग का गोला है। चैतन्य ज्योति है, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आया कि आत्माएं जब बिंदु हैं, ओम का स्वरूप है, तो आत्माओं का बाप भी वैसा ही होगा। चींटी का बाप चींटी जैसा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, तो आत्मा का बाप ऐसा होगा, आत्मा जैसा ही बिंदु होगा। तो परमपिता परमात्मा शिव का जो असली रूप है वो बिंदु है, ज्योति बिंदु, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम देह का नाम नहीं है। और आत्माओं के जो नाम पड़ते हैं वो देह के ऊपर पड़ते हैं। तो ओम का सार्थक स्वरूप और उसकी व्याख्या मम्मा ने करके दिखाई, इसलिए उनका लौकिक नाम भी सार्थक हो गया, ओम राधे। राम अने राम, धाम अने धारणा करने वाली। कौन से राम की धारणा करने वाली? निराकार या साकार? निराकार राम की धारणा करने वाली राधे। ऐसे ही कमला, कमला लक्ष्मी का नाम है। कमल फूल से बनता है कमला। कमल फूल का क्या काम है खास? कीचड़ में रहता है और कीचड़ से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही जो बड़ी माता पाठ बजाने वाली कमला नाम की कन्या ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, उसका अलौकिक पाठ ही खास है। कीचड़ की दुनिया में रहना, पतितों के बीच में रहना और बुद्धि से उपराम रहना, बल महाकाली का पाठ बजाती है। काला पाठ बहुत खराब पाठ है, दूसरों से सुन लेना। तो काला पाठ होते हुए भी मन बुद्धि जो है वो भगवान की तरफ आकर्षित बनी रहती है, इसलिए महाकाली के जो पुराने चित्र हैं उनमें मस्तक के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। असुरों के बीच में रहकर के मार काट मचाने वाली है, खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाली है,
फिर भी बुद्धि कहाँ रहती है? एक भगवान बाप के मुकर्र रथ की ओर, इसलिए नाम कमला है। लौकिक और अलौकिक दोनों का नाम बाला करने वाली है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि आखिरी जन्म में जो मुख्य पाठधारी है, जो ब्रह्मा के पांच आनन चार आनन कहे जाते हैं, विष्णु की चार भुजाएं कही जाती हैं, वो चैतन्य भुजाओं का पाठ बजाने वाली आत्माएं आखिरी जन्म में भी ब्रह्मा के घर में जन्म लेती है। लौकिक जन्म भी उनका ब्राह्मण के बीच में होता है। आमको हिंदी आसुनी, आमर पुराना खाता हिसाब किताब चुक्त कर। बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में आने के बाद जिन्होंने हिंदी सीख ली। और बोल रहे बाबा, बेसिक में दीदी दादियों में भी बहुत सी ऐसी दीदी दादियां हैं जो पहले सिर्फ सिंधी ही जानती थी, हिंदी जानती ही नहीं थी, आज वो हिंदी में भाषण करती हैं। तो ज्ञान में आने के बाद जो अपन को बाप का बच्चा समझते हैं, तो जो बाप की भाषा तो बच्चों की भाषा होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास बन जाएगा। आप मेहनत ही नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं हमारा हिसाब किताब का खाता आप चुस्त कर दीजिए, ऐसे बोल। भगवान 500 700 करोड़ के हिसाब किताब के खाते को चुस्त करे या एक के खाते को चुस्त करे? अगर एक के खाते को चुक्त करेगा तो कहेंगे भगवान पार्शियल है, पक्षपाती है। तो भगवान कोई का खाता चुक्त नहीं करता है, वो सिर्फ रास्ता बताता है कि खाता कैसे चुक्त हो। अपना अपना खाता अपने पुरुषार्थ से चुक्त करना है। हाँ, थोड़ा और जोर से बोलो, जब लड़ाई लड़ते हैं तो खूब जोर से आवाज आती है। हाँ, जगन्नाथ को बहुत भगवान मानते हैं। हाँ, जगन्नाथ को भगवान मानते हैं। अच्छा, काला पहाड़ उससे डर के क्यों भगवान होता तो क्यों भागते हैं? काला पहाड़ से डर के भागे जगन्नाथ है। बाकी कहाँ आत्मा गोपन किया था, कहाँ छुपा था भगवान, कहाँ जाके छुपा था? एक ही यादगार यहाँ पर है। हाँ, कि काला पहाड़ बोलकर एक लोग, सुन बतो, रुको। हाँ, काला पहाड़ बोलकर एक लोग जगन्नाथ को ऐसे पीछा किया मारने के लिए। काला पहाड़ ने, काला पहाड़ कोई आदमी है? आदमी तो जगन्नाथ आकर पूरी से आकर गंजाम में छिपे हुए थे। उसका एक यादगार भी है गंजाम के अंदर। हाँ, वो मारदा मंदिर है। हाँ, वो उसका यादगार है, वहाँ जगन्नाथ छुपे हुए थे। हाँ, तो वो भाई पूछ रहे हैं क्यों वो भागे। हाँ, जितने भी धर्म गुरु हुए, जितने भी धर्म पिताएं हुए, जितने भी साधु सन्यासी हुए, कोई ने भी हिंसा कराने का उपदेश दिया है क्या? हिंसा करो, हिंसा कराओ, ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया। सबने यही उपदेश दिया, अहिंसक बनो, अहिंसा परमो धर्म। तो उन साधु सन्यासियों का उद्धार करने वाला जो भगवान है, वो हिंसा करना सिखाएगा? सिखाएगा नहीं सिखाता। हाँ, युक्ति बताता है, युक्ति से काम करो। चाहे वो भगवान राम भगवान के रूप में आता है, कांटों के जंगलों में रहना पड़ता है,
बंदरों के बीच में रहता है, बंदरों की सेना लेकर के काम करता है। और रावण से डायरेक्ट अकेले नहीं लड़ता, तो भगवान राम को भी जंगलों में फिरना पड़ा। कृष्ण के लिए कहते हैं कंस के डर से गांवड़े गांवड़े में भागता फिरा। क्या हिंसा की? चाहता तो सारी जनरेशन को लड़ाई देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। शंकर के लिए दिखाते हैं, शंकर भगवान के पीछे भस्मासुर पड़ा, उनको भस्म करने के लिए कि आओ तुम्हारे ऊपर हम हाथ रख दें, पता चले कि भस्म होते हैं कोई नहीं। तो शंकर ने सारे संसार में भाग भाग करके अपनी जान बचाई। भस्मासुर से डायरेक्ट टक्कर नहीं ली। तो चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान जगन्नाथ हो, वो युक्ति से काम लेते हैं, डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं करते। जब युक्ति से काम निकल सकता है तो टकराने की क्या दरकार। और है प्रथमा जो है वो तो सारा जगत की माँ है। हाँ जी, वास्तुदेव का भी माँ है। हाँ बोलो। और जो अष्टदेव होते हैं वो सारे सूर्यवंशी होते हैं। हाँ जी, तो जगदम्बा का कैसे सूर्यवंशी? जगदम्बा जो है यज्ञ के आदि में जगत पिता के सात पार्ट बजाती है। जगत पिता ज्ञान का बीजारोपण करता है और जगदम्बा भक्ति का बीजारोपण करती है। ज्ञान सुनना और सुनाने का फाउंडेशन किसके द्वारा? सुनने सुनाने को ज्ञान कहते हैं या भक्ति कहते हैं? तो सुनने सुनाने अर्थात भक्ति का फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ा? जगदम्बा के द्वारा पड़ा। वो जगदम्बा स्त्री चोला है, पुरुष चोला नहीं है। स्त्री चोले में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, भगवान बाप इसमें प्रत्यक्ष होते हैं, पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो पुरुष चोला है उस चोले के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश और चंद्रमा दोनों के बीच में ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? सूर्य कहेंगे ज्ञानी और चंद्रमा को कहेंगे है? क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। सूर्य स्वतः ज्ञान का प्रकाश देने वाला है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर फिर रोशनी देता है। चंद्रमा की रोशनी ठंडी है और सूर्य की रोशनी में गर्माहट है। तो सूर्य की जो औलाद है वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं और चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशी कहे जाते हैं। सृष्टि की शुरुआत सूर्यवंशियों से होती है या चंद्रवंशियों से होती है? सूर्यवंशियों से होती है।
संगम युग में सूर्यवंश का फाउंडेशन पड़ता है या चंद्रवंश का फाउंडेशन पड़ता है? भगवान बाप 4.5 लाख सूर्यवंशी तैयार करते हैं, उनमें 2.25 लाख ओरिजिनल सूर्यवंशी और 2.25 लाख ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद होते हैं, जो सूर्यवंशियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, जैसे पत्नी पति के सामने सरेंडर कर देती है। विजयमाला रुद्रमाला को आत्मसात कर लेती है, तो वो आत्मसात होने वाले भी सूर्यवंशी बन जाते हैं। भगवान शरणागत वत्सल है, दूसरे धर्म की आत्माएं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये शरण में नहीं आती हैं, वो अपने धर्म की पक्की होकर के रहती है, वो झुकती नहीं है, इसलिए वो सूर्यवंशी नहीं बनते। लेकिन जो चंद्रवंशी सूर्यवंशी में अपने स्वभाव संस्कार को मिक्स कर देते हैं, वो सूर्यवंशी बन जाते हैं। इसलिए जगदम्बा चंद्रवंशियों को और चंद्रवंशियों के साथ साथ और वंशियों को जन्म देने वाली है, जो 7 फेलियर की लिस्ट में है। चंद्रवंशी भी फेलियर की लिस्ट में, और चंद्रवंशियों की गोद में पलने वाले जो भी धर्म है वो सब फेलियर की लिस्ट में है। इसलिए नई दुनिया में नहीं आते, कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में आते हैं, पुरानी दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, पुरानी दुनिया में राज्य प्राप्त करने वाले हैं। नई दुनिया जो बाप स्थापन करते हैं उसमें से सूर्यवंशियों का राज्य चलता है, चंद्रवंशियों का राज्य नहीं चलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताओं की 3 कैटेगरी दिखाई गई है, ब्रह्मा से भी ऊपर विष्णु और विष्णु से भी ऊपर शंकर, तो तीनों की अपनी अलग अलग वंशावली है। जो सूर्यवंशी हैं वो अपनी जनरेशन तैयार करते हैं, उन सूर्यवंशियों की पहली जनरेशन है अष्टदेव, वो अष्टदेव की लिस्ट में ब्रह्मा और सरस्वती नहीं आते। उनका संगमयुगी जन्म अपने शरीर से नहीं कहा जाता, वो सतयुग में जाकर अपने शरीर से जन्म लेंगे। संगम युग में शरीर के द्वारा भगवान बाप से प्राप्ति नहीं करते, और ब्रह्मा की ही सोल जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाती है, इसलिए जगदम्बा के मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। तो वो चंद्रवंशी जनरेशन है और वो सूर्यवंशियों की जनरेशन है। और जो भी संहिताएं हैं वो भी बताते थे कि हिंसा करना मना है, हिंसा मत करो। अब भी बाबा भी बोल रहे हैं कि डबल हिंसा करो, है ये जो शूटिंग हो रही है, जितने अब अगर हम इतिहास में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े युद्ध हुए, जैसे कि बड़े बड़े वॉरियर थे अलेक्जेंडर से नेपाल से, और जैसे कि बहुत सारे युद्ध हुए, तो वहाँ तो भयानक हिंसा की जैसे कि मौत का तांडव लेना हुआ है। तो मतलब मुझे कहना मतलब है कि जैसे कि यहाँ केस में शूटिंग हो रहा है, वहाँ की हिंसा का जैसे डबल हिंसा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो
कि वहाँ यहाँ कैसे शूटिंग हो रहा है, जैसे कि वहाँ इतिहास में यहाँ जो फेलियर ब्राह्मण है वो हिंसा की शूटिंग नहीं करते, डबल एक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हिंसा की शूटिंग करने वाले हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होकर के वहाँ भी हिंसा करेंगे, और जो यहाँ भगवान बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं डबल अहिंसक बनते हैं, न काम कटारी की हिंसा चलाते हैं और न स्थूल हिंसा करते हैं, वो सूर्यन की देवता बनेंगे, अहिंसक बनेंगे, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, बाकी तो 500 करोड़ को फॉलो करने वाले हैं, सब हिंसा करने वाले हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नौकुरी के ब्राह्मण हैं, नौकुरी के ब्राह्मणों में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो कैटेगरीज हैं, उनमें भी चंद्रवंशी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो सूर्यवंशियों को फॉलो करता है, जो विजयमाला के मणके बनता है, बाकी तो सारे चंद्रवंशी दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी कौन से ब्राह्मण हैं जो अपने को हिंदू समझते हैं, प्रैक्टिकल में हिंदू का अर्थ है हिंग माने हिंसा, दू माने दूयते, जो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बेसिक ब्राह्मणों में ऐसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि रुद्रमाला में जो एडवांस पार्टी के हैं वो सब हिंसा बढ़ाने वाले हैं और हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अखबारों में ऐसा छपाते हैं, ग्लानी करते हैं कि हम अहिंसक हैं और ये हिंसा करने वाले हैं। खास कौन सी हिंसा? काम कटारी की हिंसा एडवांस पार्टी वाले कर रहे हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, तो वो अपन को हिंदू कहलाते हैं, हम अपन को हिंदू कहलाते नहीं हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हमारे अंदर ऐसे ब्राह्मण नहीं है नीच कोटि के, नौकुरियों में से नीची कोटि वाले भी ब्राह्मण हैं जो काम कटारी की हिंसा चलाए रहे हैं, उनमें वो सूर्यवंशी जो काम कटारी की हिंसा से बहुत दूर हैं वो छुप गए हैं, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, ये शूटिंग यहाँ हो रही है हिंदू पने की, वो ही वहाँ प्रैक्टिकल में होगी। हाँ जोर से बोलो, है गुलाब का फूल, हाँ गुलाब का फूल, बहुत प्रकार रंग अच्छे, तीन प्रकार अच्छे कहते हैं, गुलाब का फूल रंग का भी है, सफेद का भी है, काला का भी है, तो उसका निशानी क्या है? विजय माला है 108 मणकों की और रुद्रमाला भी 108 मणकों की है, है या नहीं? रुद्रमाला के 108 मणके विजयमाला के 108 मणकों के साथ स्वभाव संस्कार मिला लेंगे तो युगल मणकों की माला बन जाएगी।
उसमें मेरु मण का ऊपर दिखाया जाता है युगल मणके के रूप में। तो रुद्रमाला में अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग रंग के हैं, तो विजयमाला में और धर्मों के नहीं होंगे क्या? है वो और धर्मों के और के साथ मेल होगा तो उनके संकल्पों का खून उनमें समा जाएगा या नहीं समाएगा? है समा जाएगा। जैसे कन्या छोटे कुल से आती है और वर ऊंच कुल से होता है, छोटे कुल से आने वाली कन्या जब ऊंच कुल के पति के साथ मिलती है तो कौन सा वंश कहा जाता है? वर का वंश हो जाता है या कन्या का नीच वंश कहा जाता है? वर का ऊंच पक्ष हो जाता है। ये संग का रंग लगने से ऐसा होता है। तो ऐसे ही रुद्रमाला के जो नौ प्रकार के धर्म हैं, नौ प्रकार के ब्राह्मण हैं, वो नौ प्रकार के ब्राह्मण विजयमाला से आने वाले जो चंद्रवंशी मणके हैं उनके साथ अनिश्चित होने से वैसे ही वैसे स्वभाव संस्कार और संकल्पों का खून उनमें अनुच्युत हो जाता है। तब 12-12 के नौ ग्रुप तैयार होते हैं विजयमाला के, वो सब युगल मणके कहे जाते हैं। और है हाँ मिल ले लो, आजकल तो पर्सनल मिलने की बड़ी भारी युक्ति चल रही है, मोबाइल कान में लगाओ, बाथरूम में घुस जाओ और पर्सनल बात करो, बाबा से भी कहो आप भी बाथरूम में घुस जाओ, कहीं जगह नहीं मिले, एकांत में चाहिए, अकेले में बात करना है, करो। और ओम शांति।